आज हम समाजवादी साथियों ने जितने भी नौजवान समाजवादी साथी हैं, यूथ के जितने भी समाजवादी साथी हैं, सबने मिलकर लखनऊ कलेक्ट्रेट पर जाकर एडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हम लोगों ने जो मुख्य चीजों पे जो अंकुश लगाने को कहा है, आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, आज भ्रष्टाचार चरम पर है, आज कानून व्यवस्था किस हाल पर पहुंच गई है, आज उत्तर प्रदेश में जो बीएड प्रवेश परीक्षा होती थी दलित छात्रों की, उसकी निःशुल्क प्रवेश पर जिस तरीके से रोक लगाई गई है, उससे जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये दलित विरोधी सरकार है। और हमने एडीएम साहब को ज्ञापन देकर ये कहा है कि समाजवादी साथी, अगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता बेहाल है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया गया, कानून व्यवस्था को बेहतर नहीं किया गया, तो समाजवादी साथी ये लाठी डंडों से डरने वाले नहीं है। हम आंख में आंख लगाकर जनता के सवाल आपसे पूछने का काम करेंगे और आपसे लड़ने का काम करेंगे, चाहे हम पे जितने मुकदमे लगा लो, चाहे हम पे जितनी लाठी चढ़ा लो, लेकिन समाजवादी साथी डरने वाले नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।